Hello students, myself Subhas. Today I am going to discuss chapter number 2 of class 8 Ncert science, microorganism friend and foe. In this chapter we will discuss about microorganism and their usefulness and harmfulness. So let's start. First topic, microorganism. So what are microorganism? अगर हम अपने आस पास देखते हैं तो चारों ओर हमें बहुत सी चीजें दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर हम डिस्कस करके किसी पार्क में जाते हैं तो हमें बहुत से झूले, बहुत से पेड़ पौधे, जानवर छोटे मोटे और इंसान सब तो दिखाई पड़ते हैं, पर क्या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ती है? तो हाँ, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो हमारे इन्वायरमेंट प्रेजेंट ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें नेक्ड आई से ना दिखें और जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही देख सकते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हेयर यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन बी सीन only with the help of microscope is called microorganism or microbes। कि वे सभी ऑर्गेनिज्म जो हमें क्या सिर्फ माइक्रोस्कोप के हाथ से दिखते हैं उन्हें हम लोग क्या microorganism या microbes कहते हैं। Next topic is types of microorganism। तो microorganism कितने टाइप के होते हैं? Microorganism are classified into following groups। microorganism को कुछ निम्नलिखित ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप इज बैक्टीरिया। दे आर सिंगल सेल, जो बैक्टीरिया होती है सिंगल सेल होते हैं, मतलब क्या सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं। फाउंड इन कॉलोनीज, अक्सर ये क्या ग्रुप में पाए जाते हैं। कैन बी स्पेरिकल रॉड और स्पायरल शेप, ये स्पेरिकल शेप में भी हो सकते हैं, मतलब क्या गोलाकार शेप में हो सकते हैं। स्पायरल शेप में भी हो सकते हैं, मतलब इसकी इकोनी की टेल है, स्पायरल शेप में, इसका एस के शेप में। और रॉड शेप, मतलब क्या रॉड शेप में भी पाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल रोडोबैक्टर, इकोली। यहाँ पे देखो फिगर दिखाया गया है, इकोली ये क्या बैक्टीरिया एक टाइप का उसका फिगर है। नेक्स्ट ग्रुप इज फंजाई। ऑल्दो दे लुक लाइक प्लांट बट दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। भले ये पौधे से दिखते हैं पर इनमें क्या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। दे मे बी सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक, ये सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, मतलब ये अपना फूड दूसरों से ऑब्टेन करते हैं। अब एग्जांपल यीस्ट मशरूम, जो मशरूम आपने देखा होगा नॉर्मली ये मशरूम का फिगर, तो मशरूम क्या है, मशरूम एक प्रकार का फंगस होता है जो कि डेड एंड डिकेइंग जो वुड होती है उसके ऊपर ये ग्रो होता है। प्लीज नोट डाउन इट। थर्ड ग्रुप इज फंजाई। दे आर हेटरोट्रॉपिक, मोस्टली ये क्या हेटरोट्रॉपिक होते हैं, मतलब कि अपने फूड के दूसरों पे डिपेंड होते हैं। एंड मोस्टली एक्वाटिक, ज्यादातर क्या है ये पानी में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल अमीबा पैरामीशियम, यहाँ पर अमीबा का फिगर दिखाया गया। नेक्स्ट ग्रुप इज एल्गी। इट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, एल्गी में क्या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। कैन बी मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर, ये मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब क्या एल्गी की बॉडी जो होती है एक से ज्यादा सेल से मिलकर भी बनी हो सकती है, और यूनिसेलुलर मतलब क्या सिंगल सेल वाले भी माइक्रोऑर्गेनिज्म एल्गी हो सकते हैं। मोस्टली एक्वाटिक, ज्यादातर ये भी क्या एक्वाटिक ही होते हैं, मतलब क्या पानी में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल स्पायरोगायरा एंड बॉलवॉर्म, हियर यू कैन सी द फिगर ऑफ स्पायरोगायरा। नेक्स्ट ग्रुप इज वायरस। सो वायरस आर द स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट, वायरस जो होते हैं सबसे क्या स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट, मतलब क्या इन्फेक्शन फैलाने वाले एजेंट्स होते हैं। दे आर पैरासाइट्स, ये एक्चुअली क्या पैरासाइट्स होते हैं। नॉर्मल जब तक ये किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंटर नहीं करते तब तक ये डेड माने जाते हैं। जैसे ये वायरस किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो ये इनके अंदर क्या लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, वायरस अपनी संख्या को बढ़ा सकता है कब, जब वो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर कर जाए तब। ये नॉर्मल किसी की बॉडी के बाहर, मतलब क्या अगर खुले में किसी की बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर सका है तो ये अपनी संख्या को नहीं बढ़ा सकता, पर जब हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो अपनी संख्या को क्या तेजी से बढ़ा सकता है। एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा वायरस एंड एज यूजल वर्ड इज कोरोना वायरस, जिससे आप सभी लोग परिचित होंगे। हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ कोरोना वायरस। नाउ वी डिस्कस द यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, के माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, तो हाँ कई फील्ड्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर कमर्शियल पर्पज इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, अल्कोहल, कर्ड एंड चीज, जो ब्रेड बनता है अल्कोहल जो कंजप्शन होता है, इसके अलावा कर्ड, दही, चीज, इन सब के फॉर्मेशन में माइक्रोऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है। फंजाई एंड बैक्टीरिया ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मिनरल्स एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। फंजाई बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मिनरल्स होते हैं उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं
और इसके द्वारा हम क्या सोयल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। सेकेंड पहला कमर्शियल यूज हो गया, सेकेंड टू क्लीन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म या बॉडीज होती है ठीक है एनिमल्स की, उनको छोटे बैक्टीरिया क्या करते हैं डिकम्पोज करते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। नेक्स्ट फॉर मेडिसिनल यूज, सो बैक्टीरिया का इस्तेमाल मेडिसिनल यूज में भी किया जाता है और भी बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, जो एंटीबॉडी दवा बनती है उसके प्रोडक्शन में भी क्या बैक्टीरिया और का बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, बहुत से इंजेक्शन जो टीकाकरण होता है, जैसे कोई बेबी अगर जन्म लेता है तो उसको बहुत सी सुइयां स्टार्ट लगती है ना, वैक्सीनेशन प्रोसेस होती है। तो वैक्सीनेशन एक्चुअल में होता क्या है, वैक्सीनेशन के द्वारा हमारी बॉडी में स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कराए जाते हैं ताकि उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी बॉडी लड़ना सीख जाए ठीक है। हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए जो वैक्सीनेशन प्रोसेस की जाती है उस वैक्सीनेशन प्रोसेस में भी क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। If you have any doubt, so please ask in comment section. Thank you.